अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 4024, वेलकम टू मैथ्स गुरु। स्टूडेंट, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर ऑन द टॉपिक ऑफ एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स। एंड बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, लेट्स जस्ट लुक एट सम फॉर्मूलाज व्हिच वी डिस्कस व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस टॉपिक। दिस टॉपिक इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ सर्कल प्रॉपर्टीज। सर्कल प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक का नाम है ना, वो पूरा यही है, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स एंड पॉलीगॉन्स। तो उसमें हमने ये कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स एंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो कुछ फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रेगुलर पॉलीगॉन्स, रेगुलर पॉलीगॉन्स का मतलब होता है ऐसे पॉलीगॉन्स जिनके एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स जो है ना, वो इक्वल हैं। तो जब इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो उनकी साइड की लेंथ भी जो है ना, वो सब सेम होंगी। तो अगर ऐसा पॉलीगॉन है जिसके इंटीरियर एंगल्स सारे के सारे इक्वल हैं और उसकी साइड की लेंथ सारी की सारी इक्वल है, तो वो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है। पॉलीगॉन का मतलब होता है हमारे पास जैसे ट्राइंगल्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, इसी तरह पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ऑक्टागॉन, ये सारे के सारे जो है ना, ये पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। पॉली मीन्स मैनी और गॉन्स का मतलब होता है हमारे पास साइड्स। तो तीन से ज़्यादा साइड्स वाले जो है ना, वो हमारे पास पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। तो ट्राइंगल हो गया, उसके बाद सारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ये भी पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो पेंटागॉन हो गया, फाइव साइडेड फिगर, सिक्स साइडेड फिगर इज कॉल्ड हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, नोनागॉन, डेकागॉन, इलेवनगॉन, ट्वेल्वगॉन। तो इस तरह जो है वो साइड्स के हिसाब से जो है ना, वो इनके नाम होते हैं। तो एक इररेगुलर पॉलीगॉन होता है, तो इररेगुलर पॉलीगॉन में इंटीरियर एंगल्स भी सारे अलग अलग होंगे, साइड की लेंथ भी अलग अलग होंगी। तो उसका भी फॉर्मूला नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारी लेंथ ही अलग अलग है, तो हम कैसे फॉर्मूला निकालेंगे उसके लिए? तो फिर हर साइड का एक अलग फॉर्मूला होगा। तो वी टॉक अबाउट रेगुलर पॉलीगॉन्स। जब फॉर्मूलाज की बात आती है ना, तो हम रेगुलर पॉलीगॉन्स की बात करते हैं। और अगर आपसे बोले कि भाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन आपको निकालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? एन माइनस टू इंटू 180। एन इज बेसिकली द नंबर ऑफ साइड। जैसे ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ, तो एन की जगह पे, चूंकि ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती हैं, तो मैं एन की जगह पे थ्री रखूंगा। थ्री माइनस टू वन हो जाएगा, वन मल्टीप्लाई बाय 180 इज 180। तो आपको पता है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल का भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, जिसका वो आपको बोले आप फाइंड कर सकते हो। अच्छा, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, तो वो हमेशा 360 होते हैं, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर वो आपसे कहता है कि भाई यू हैव टू फाइंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, तो रेगुलर पॉलीगॉन के सारे एंगल्स तो बराबर होते हैं, तो कोई एक एंगल निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज एन माइनस टू इंटू 180। ये तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स को हो गया, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ साइड्स, मतलब एन से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट ईच वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल। मतलब एक ही वैल्यू होगी सब एंगल्स की, लेकिन वो एक वैल्यू इस तरह फाइंड आउट हो जाएगी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और अगर आपको एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है रेगुलर पॉलीगॉन का, तो वो भी इक्वली होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है? 360 अपॉन एन। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए थे एक्सटीरियर एंगल्स के, इंटीरियर एंगल्स के। तो ये फॉर्मूलाज जब तुम प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तो तुम्हें याद ही हो जाएंगे, मोर और लेस सारे एक ही तरह के ही है। एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने के लिए एन माइनस टू इंटू 180 है। अगर तुम्हें एक इंटीरियर एंगल निकालना है, तो एन माइनस टू इंटू 180 को एन से डिवाइड कर दो। इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट वन वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो जस्ट डिवाइड 360 अपॉन एन, तो तुम्हें जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है, कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। द क्वेश्चन सेज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज एन इंटीरियर एंगल। अच्छा, अब एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसने हमें नाम नहीं बताया, उसने कहा रेगुलर पॉलीगॉन है भाई, तो इट कैन बी एनी थिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमें नंबर ऑफ साइड नहीं पता, क्योंकि नाम नहीं पता ना। अगर वो कहता है रेगुलर हेप्टागॉन है, तो हम समझ लेते कि भाई सेवन साइडेड फिगर है। ऑक्टागॉन है, तो हम समझ लेते एट साइडेड फिगर है। लेकिन यहाँ उसने बोला है कि रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका इंटीरियर एंगल जो है ना, वो 160 डिग्री है। तो मतलब उसके सारे एंगल्स 160 डिग्रीज होंगे। हमसे कह रहा है पार्ट ए में फाइंड द नंबर ऑफ साइड, मतलब हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें उसने इंटीरियर एंगल की वैल्यू दी हुई है, एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू दी है। तो इसलिए हम लोग जो है ना, वो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ताकि यहाँ से हम एन फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 160, तो मैं इसको लिखूंगा 160 एंड देन आई विल पुट इक्वल्स टू, और फिर उसके बाद मैं यूज़ करूँगा ये वाला फॉर्मूला जो कि है एन माइनस टू इंटू 180। ठीक है, तो एन माइनस टू, सिंस आई डोंट नो द नंबर ऑफ साइड, वही मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैंने जो है वो एन माइनस टू इंटू 180 लिखा और अपॉन जो है ना वो एन लिख दिया। अब मैं इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करूँगा और एन की वैल्यू निकाल लूँगा। ये नीचे एन है, ठीक है, ये एन यहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 160 एन। तो मैंने इसको इस तरह लिख लिया 160
एन, और अब मैं ब्रैकेट को जो है वो एक्सपेंड कर देता हूँ। तो ये ब्रैकेट में एन माइनस टू है, बाहर है 180। तो 180 जब एन से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 180 एन, और 180 जब माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 18 टाइम्स 2 इज 360, 18 टाइम 2 इज 36, तो आगे एक जीरो लग जाएगा तो ये हो जाएगा 360। अब मैं एन को एक जगह जमा कर लेता हूँ, ये 360 को शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे, ये 160 यहाँ ले आता हूँ, तो इट विल लुक लाइक दिस। ये हो जाएगा 180, 20 मूव करेगा बिकॉज आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो 20 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 360 से, और आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एन एज 18। तो ये जो है वो 18 साइडेड पॉलीगॉन है और ये रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है। तो 18 गॉन बोल दिया हमने इसको। तो द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इज 18। कैसे फाइंड आउट किया? बिकॉज इंटीरियर एंगल की वैल्यू गिवन थी, तो इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, एन माइनस टू इंटू 180 डिवाइड बाई एन, ये एन यहाँ डिवाइड हो रहा है, जरा के ये मल्टीप्लाई हो गया, 160 एन हो गया, इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय 180 विल बी 180 एन, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 विल बी -360। और फिर सिंप्लीफाई किया तो एन की वैल्यू आ गई 18। तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है द डायग्राम शोज थ्री साइड्स ए बी बी सी एंड सी डी ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब ये ए बी बी सी और सी डी, ये तीनों के तीनों जो है वो थ्री साइड्स हैं, और चूंकि रेगुलर पॉलीगॉन है तो इसकी साइड सारी बराबर होंगी, तो ये साइड और ये साइड, ये साइड तीनों बराबर है। हमसे कह रहा है कि ए सी एंड बी डी मीट एट पी, ये जो ए सी आपको लाइन नजर आ रही है और ये जो बी डी लाइन नजर आ रही है, दे बोथ मीट एट पी। फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है बी सी ए की वैल्यू निकालो, मतलब एंगल सी निकालो, ठीक है। बी सी ए कौन सा हो गया? बी सी ए मतलब ये छोटा वाला एंगल कह रहा है, पहले तो ये वाला एंगल निकाल लो, छोटा वाला जो मैंने रेड से मार्क किया है। और फिर हमसे सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है डी पी सी, तो एंगल डी पी सी का मतलब है कि ये ब्लू वाला एंगल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। अगर मैं बड़े की बात करूँ, अगर मैं ए बी सी की बात करूँ, देखो ए बी सी मैं बनाता हूँ पहले, तो ए ऐसा है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो इस तरह जा रहा है और वो यूं क्लोज हो रहा है। तो ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल जिसका नाम है ए बी सी, ठीक है। ये ए हो गया और दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये मैंने क्यों निकाल के बनाया? क्योंकि दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड कह रहा है बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बिल्कुल इक्वल होंगे, ऐसे ही है। और मुझे ये वाला एंगल पता है, ये तो इंटीरियर एंगल है ना पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरा इंटीरियर एंगल है, जो कि 160 के बराबर है, ठीक है ना। क्योंकि ये पार्ट बी है तो इसका मतलब है कि ये ऊपर वाला ही एंगल हम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि पार्ट बी है से जो है वो कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारा ये वाला एंगल जो है वो 160 हो गया। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है भाई, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको पता है एक एंगल दिया हुआ है, तो बाकी दो एंगल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, 180 में से 160 को सब्ट्रैक्ट किया और जो भी आंसर आया उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। हमें पता है जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 20, और जब 20 आ जाएगा तो चूंकि दोनों एंगल्स बराबर है तो जस्ट डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास जो एंगल सी आ गया दैट इज इक्वल्स टू 10 डिग्रीज। ये जो बी सी ए आ गया इसकी वैल्यू आ गई 10 डिग्रीज, ठीक है। सिंपल जो है वो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन से जो है वो अपना एंगल फाइंड आउट कर लिया। हमें पता है इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ये जो ट्राइंगल था ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा था ना, ये जो एंगल बी है ये इंटीरियर एंगल बन रहा है, और ये इंटीरियर एंगल हमें गिवन है 160 डिग्रीज, तो हमने ये यूज़ कर लिया। बाकी दो एंगल्स बिल्कुल बराबर होंगे, तो ये 160 हो गया, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, सम 180 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फर्स्ट आंसर आ गया दैट इज 10 डिग्रीज, ठीक है। और फिर जल्दी से जो है वो सेकेंड पार्ट भी फाइंड कर लेते हैं। इन द सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल डी पी सी, और डी पी सी जो है वो मैं मार्क कर चुका हूँ। तो डी पी सी निकालने के लिए मुझे जो है वो ये वाले ट्राइंगल की मदद लेनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये देखो कि जब ये 10 है तो ये वाला भी 10 है, तो डेफिनेटली ये वाला भी 10 होगा भाई, फिर ऐसे ही है ना। तो ये जो छोटा एंगल है ये भी बिल्कुल 10 होगा, क्योंकि अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ तो ये पूरा आपके पास यहाँ से यहाँ तक जो है वो 60 हो गया, 160। अब ये जो रेड वाला पार्ट है ये तो मैंने अभी फाइंड किया ना 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाकी एंगल बचा है यहाँ से यहाँ तक, दिस विल बी इक्वल्स टू 150। ये कैसे पता चला मुझे? कैसे? क्योंकि ये पूरा इंटीरियर एंगल है ना, ये पूरा इंटीरियर एंगल है और ये 160 के बराबर है, लेकिन ये जो छोटा वाला रेड पार्ट है ये 10 डिग्रीज है, तो मैंने 160 में से 10 माइनस कर दिया, तो ये वाला जो एंगल नजर आ रहा है ना मुझे डी पी सी, सॉरी ये डी सी पी वाला जो है, दिस इज इक्वल्स टू 150।
अब मैं काम करता हूँ, ये जल्दी से बना लेता हूँ। इधर ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला। और अगर मैं इस फिगर को देखता हूँ तो ये छोटा वाला एंगल 10 है, ठीक है, ये वाला एंगल 10 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, क्योंकि अंदर नजर नहीं आएगा, तो ये 10 हो गया। और ये जो सी एंगल है ना, ये 150 है। तो दो एंगल्स मुझे पता है, मुझे सिर्फ तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड करो, 180 में से माइनस कर दो। 150 और 10 कितना हो जाएगा भाई? वो ये हो जाएगा 160। और इसका मतलब है कि मैंने जो है वो 180 में से 160 को माइनस कर देना है, तो तीसरा एंगल जो है वो 20 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल डी पी सी इज इक्वल टू 20 डिग्रीज। इंटीरियर एंगल्स के सम को का फॉर्मूला यूज़ करके, ट्राइंगल को यूज़ करके, आइसोसेलेस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मैंने जो है वो ये दोनों एंगल्स निकाल लिए। बी सी ए 10 डिग्रीज आ रहा है, क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल था, बीच वाला 160 है। तो आपको पता है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द अदर टू एंगल्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, यू जस्ट हैव टू सबट्रैक्ट इट विद 180। 180 में से 160 माइनस किया, यू विल गेट 20, और 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10 ये भी हो गया, 10 ये भी हो गया। और फिर यही वाली कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने जो है वो ये वाला ट्राइंगल बनाया ये डी सी पी वाला। इसमें ये कंप्लीट एंगल जो है ना, ये इंटीरियर एंगल है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये 160 है, लेकिन ये छोटा सा पार्ट जो है ये तो 10 के बराबर है, मैंने अभी फाइंड आउट किया। तो मैंने 160 में से 10 माइनस किया, 150 आ गया। ये 150 है, ये 10 है, तो 160 होगा, तो ये कितना बचा, ये 20 हो गया। तो दिस इज द आंसर ऑफ एंगल डी पी सी, द वैल्यू ऑफ एंगल बी सी ए इज 10 डिग्रीज एंड द वैल्यू ऑफ एंगल डी पी सी इज 20 डिग्रीज।